आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, जब तक माता रानी आपको नहीं बुलाएंगी तब तक आप उनके दर्शन को नहीं जा सकते। कुछ ऐसा ही हुआ है हमारे साथ। तो चलिए आज आपको लेके चलते हैं बहुत ही सुंदर से सफ़र की तरफ, जहाँ सफ़र तो बहुत ही ज़्यादा सुहाना था और साथ ही साथ मंजिल तो और भी ज़्यादा सुहानी थी। यहाँ के ज़्यादातर खेतों में सूरजमुखी के फूल थे और इतने प्यारे लग रहे थे, मैंने पहली बार देखे थे। तो बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं, तो चलिए आपको दिखा के लेके आते हैं कि आज हम कहाँ गए हैं। तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और हम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि आज हम आए हैं पंचकुला माता मनसा देवी के दर्शन करने। तो चलिए आपको भी दिखा के लेके आते हैं पंचकुला की माता मनसा देवी। तो यहाँ से हमने प्रसाद लिया और चप्पल उतारी, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो पैर बहुत ज़्यादा जल रहे थे, सब भाग रहे थे एकदम से। हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही दूर चप्पल उतार दी थी, हमें पता ही नहीं था कि आगे भी उतार सकते हैं। हमने सोचा कि यहीं पे लास्ट है, यहीं से प्रसाद लेके हम अंदर जाएंगे, लेकिन अभी तो रास्ता बहुत ही ज़्यादा लंबा था। कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं और आपको दर्शन करा के लेके आते हैं। और यहाँ पे देखो ढोल बज रहा है, खुशी से लोग ढोल बजा रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव वाइब आ रही है यहाँ पे आने के बाद। भीड़ काफ़ी ज़्यादा लग रही है और गर्मी तो और भी ज़्यादा है। चलिए चलते हैं, फिर देखते हैं कितनी लंबी लाइन में लगना पड़ता है हमें। भागे, ये देखो धूप में पैर जल रहे इसलिए भागे। ओ भाई आज तो लाइन लगी है। देख लीजिए फ्रेंड्स कितनी ज़्यादा लंबी लाइन लगी है, मुझे तो लग रहा है हमारा नंबर एक दो घंटे के बाद ही आएगा। चलिए फिर लगते हैं लाइन में और आपको दिखाते हैं, जय माता दी जय माता दी जय माता दी करते हैं। आधा घंटा हो गया है लाइन में लगे लगे और हम लोग काफ़ी अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे इन लोगों ने इस टाइप की ग्रिल्स बना रखी हैं और जिसमें लोगों को जाना है जिगजैग 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 होते हुए। अगर वो स्ट्रेट भेजते ना तो हम बहुत जल्दी पहुँच जाते। और देखिए माता रानी का सामने दरबार दिख रहा है, अब जल्दी जल्दी हमें दर्शन हो जाए, बस यही इच्छा है हमारी। तो चलिए चलते हैं, लगते हैं लाइन में, जयकारा लगाते हैं। तो ग्रिल्स पार करने के बाद हमें ये सीढ़ियाँ पार करनी पड़ेंगी, तो चलिए चलते हैं और आपको दिखा के लेके आते हैं जय माता मनसा देवी। और आप देख सकते हैं सामने माता रानी के दर्शन लाइव दिखा रहे हैं, जो अंदर हो रहा है वो अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको। जय हो माँ मनसा देवी की। तो बस थोड़ी सी सीढ़ियाँ बची हैं,
और ये भी जल्दी पार हो जाएंगे और माता रानी हमें जल्दी से दर्शन देंगी। काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं माता मनसा देवी के दर्शन करने, और यहीं से करीब 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे है माँ चंडी देवी का मंदिर, तो वहाँ भी लोग जाते हैं। बट हम लोग आज नहीं जा पाएंगे, आज हम लोग मनसा देवी माता के ही दर्शन करेंगे, बस माता रानी के दर्शन मिल जाएं जल्दी जल्दी। तो चलिए चलते हैं अंदर, और अब बस हम लोग अंदर एंट्री करने वाले हैं। ये आप देख रहे हैं सामने प्रवेश द्वार, और अंदर जाते ही माता रानी का मंदिर। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और हम भी दर्शन करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। जय माता दी। बोल मनसा देवी की जय। तो फ्रेंड्स, अंदर से हम दर्शन करके आ चुके हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है दर्शन करने के बाद। माता रानी तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा लिख के। और आप देख सकते हैं मेन मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्यारा बना रखा है, काफ़ी भव्य मंदिर है और काफ़ी पुराना मंदिर है। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं पटियाला मंदिर की तरफ, जो रास्ता यहीं से होके हो जाता है, तो पटियाला मंदिर के भी दर्शन करा के लेके आते हैं आपको। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इन्होंने बना रखा है, जिसको फ़ोटो क्लिक करवाने तो यहाँ पे करवा सकते हैं, माता रानी के फ़ोटोज़ अपने घर ले जा सकते हैं, प्रसाद घर ले जा सकते हैं। बहुत ही प्यारी लग रही है इसमें भी माता रानी। तो चलिए अब आपको अंदर लेके चलते हैं पटियाला मंदिर की तरफ, और उससे पहले यहाँ पर हैं भैरव देवता का मंदिर, तो भैरव देव के करते हैं। जहाँ पर माता रानी होंगी वहाँ भैरव देवता तो ज़रूर होंगे। तो भैरव देव के दर्शन करने के बाद हम चल दिए आगे, और ये देखिए कितना प्यारा मंदिर है, ये तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये है पटियाला मंदिर चंडीगढ़। पटियाला मंदिर में जिसको भी धूप बत्ती जलानी है, अगरबत्ती जलानी, तो वो यहाँ जला सकते हैं और माता रानी का प्रसाद यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा बहुत ही साल पुराना बरगद का पेड़, इतना बड़ा बरगद का पेड़ मैंने पहली बार देखा है। तो यहाँ पे जितना भी प्रसाद हमारा बचा था, तो हमने यहाँ पे चढ़ाया और यहाँ पे धूप बत्ती जलाई। बोल साचे दरबार की जय, जय माता दी। तो अंदर भी अच्छे से दर्शन हो गए हैं और अब आ गए हैं हम बाहर। यहाँ पे हमने फिर से धूप बत्ती जला दी, क्योंकि बची हुई थी तो इसे घर ले जा नहीं सकते, तो यहीं पे जला दी पूरी धूप बत्ती, और फिर अब चलते हैं घर की तरफ। आई होप आपको ये मंदिर का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताइएगा, और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।